दोस्तों इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि ज्यादा मीठा खाने से नुकसान क्या होते हैं। दोस्तों अधिकतर लोगों को मीठा खाना पसंद होता है। मीठी चीज थोड़ी सी खाने के बाद मन में इसको खाने की इच्छा और बढ़ जाती है। मीठा खाने से आपके शरीर को कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। मीठे से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव आपके शरीर की प्रकृति के आधार पर तय होते हैं, लेकिन सामान्यतः लोगों को मीठा कम खाने की ही सलाह दी जाती है। इस वीडियो में आपको मीठा खाने के नुकसान और फायदों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही इसमें आपको मीठा खाने से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव, हमें कितना मीठा खाना चाहिए और ज्यादा मीठा खाने के नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मीठी चीजों में कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है। ज्यादा मीठा खाने की वजह से आप एक दिन में आवश्यक कैलोरी से ज्यादा का सेवन कर लेते हैं। शारीरिक काम कम करने की वजह से कैलोरी बर्न कम होती है और शरीर में इकट्ठा होने लगती है। इसकी वजह से आपके शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लगता है और आप मोटे होने लगते हैं। ज्यादा मीठा खाने से बेहद कम समय में ही दांतों पर काफी दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं। भोजन में मौजूद प्लाक, टॉफी में मौजूद चीनी, बेक किया हुआ भोजन और मीठे पेय पदार्थ जैसे ही मुंह में जाते हैं, वैसे ही एसिडिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस एसिडिक रिएक्शन की वजह से दांतों में सड़न होने लगती है और कुछ समय के बाद दांतों में कैविटी की समस्या शुरू हो जाती है। मीठा खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसमें पहले को LDL या खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जबकि दूसरे को HDL या अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ज्यादा मीठा खाने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़कर नसों में जमा होने लग जाता है, जिससे हार्ट की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादा मीठा खाने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ता है। मीठी चीजें खाने के बाद आपका पैनक्रिया अधिक मात्रा में इंसुलिन जारी करता है, जो कोशिकाओं में मौजूद रक्त में शुगर को साफ करता है। लेकिन बार बार मीठा खाने से आपके शरीर को एक ही काम करने के लिए ज्यादा मात्रा में इंसुलिन की जरूरत होने लगती है और कुछ समय के बाद आपका पैनक्रिया इंसुलिन बनाने में कमजोर हो जाता है। इंसुलिन का उत्पादन न होने की वजह से आपको डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। कैंडी, बेक की हुई मिठाई, सोडा व अन्य मीठे पेय पदार्थ प्रतिरक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसकी वजह से आपको सर्दी, जुकाम, फ्लू और अन्य वायरल संक्रमण का खतरा पड़ जाता है। लगातार मीठा खाने से हड्डियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। एक शोध से इस बात का पता चला है कि डाइट में अधिक मीठी चीजें शामिल करने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसकी वजह से आपको फ्रैक्चर हो सकता है और आपकी काम करने की क्षमता कम हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि मीठा ज्यादा खाने से क्या होता है और कम खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। इसलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को मीठे खाने के संतुलन के बारे में जानकारी हो। वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।